खबरों की नई पहचान। पाटलिपुत्र अस्पताल में लगातार कई दिनों से किया जा रहा है भोजन वितरण। लॉकडाउन की तारीख बढ़ने के बाद भी वे इस वितरण को और आगे बढ़ा रहे। इस वितरण में खिचड़ी पूड़ी के साथ साथ बच्चों के लिए दूध भी उपलब्ध है। वही भोजन वितरण कराने वालों का कहना है कि जब तक यह लॉकडाउन रहेगा तब तक हम इस भोजन वितरण को आगे बढ़ाएंगे ताकि कोई भी गरीब भूखे न मरे। यह वितरण पाटलिपुत्र अस्पताल के साथ साथ बैंक मोड़ एवं अन्य धनवाद के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा। वहीं गरीब लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद उनका व्यवसाय पूरी तरह ठप हो चुका था, जिससे कि उन्हें तर बतर भटकना पड़ रहा, परंतु इस वितरण के बाद उन्हें पेट भर खाना मिल रहा, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। 27/3 से हमारा प्रोग्राम चालू है कंटिन्यू, और जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक चलेगा। ये बैंक मोड़ शास्त्री नगर संकट मोचन मंदिर है, बजरंग कमेटी की ओर से है। इसका देख रेख राम नारायण सिंह के द्वारा किया जा रहा है, उन्हीं के संचालन में ये सब प्रोग्राम चल रहा है। 19 दिन तो और भी ज़्यादा लॉकडाउन बढ़ चुका है। चलेगा, वो हमारा कंटिन्यू चलेगा। इसमें जितना भी जरूरत ना, खिचड़ी है, दूध है बच्चों के लिए, और जो जरूरत का सामग्री हो रहा है, जो हो पा रहा है सब हो रहा है। बैंक मोड़ क्षेत्र में भी खिचड़ी, अभी फिलहाल तो एक टाइम चल रहा है, खिचड़ी इधर चल रहा है और स्टेशन रोड में चल रहा है, बैंक मोड़ क्षेत्र में चल रहा है, रोटी सब्जी भी चल रहा है। बैंक मोड़ शास्त्री नगर में रोटी सब्जी, खिचड़ी, दूध, सभी प्रोग्राम चल रहा है।